हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम तोरी बनाएंगे। कोई इसको तुरैया बोलते हैं, कोई तोरी बोलते हैं, कोई इसको झींगा भी बोलते हैं। अपने अपने साइड में अपना अपना भाषा में इसको जानते हैं। तो चलिए पहले हम सील लेते हैं इसको, बढ़िया से पहले इसे सील लेते हैं। फ्रेंड, ये तोरी जो होता है ये दो वैरायटी का हम देखे हैं। ये एक जो बहुत ये एकदम ग्रीन है, एक और है इससे थोड़ा सा हल्का कलर में होता है, इतना ग्रीन नहीं होता है वो। तो फ्रेंड हम इसे सील लेते हैं दोनों को। तो देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों जो तुरैया है इसको हम छील लिए हैं। अब छील के हम धो लिए हैं, क्योंकि ये काटने के बाद धोया नहीं चाहिए, मतलब धोना नहीं चाहिए इसको। काटने के बाद, कटने से पहले इसको धोना चाहिए। और देखिए इसका जो छिकल है, इसका भी फ्रेंड चटनी अच्छा बनता है। इसका भी कभी चटनी हम दिखा देंगे बना के। तो चलिए हम काट लेते हैं इसको। एक डेढ़ इंच लंबा लंबा, थोड़ा मोटे मोटे हम काटे हैं। देखिए फ्रेंड, पहले से हम जो है एक प्याज, एक लहसुन, लहसुन को जो है हम थोड़े से देखिए इसको थोड़ा फोड़ दिए हैं। इसको पीसना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमने इसको फोड़ दिए हैं। और यहाँ पे एक टमाटर जो है इसको भी हम छोटे छोटे काट लिए हैं, टमाटर को भी। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल दे दिए हैं और दो सूखा मिर्च हम इसको तोड़ के दे दूंगी, और दो एक तेज पत्ता दे दूंगी और थोड़ा सा जीरा दे दूंगी। लहसुन, प्याज, ब्राउन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा प्याज लहसुन एकदम ब्राउन हो चुका। अब हम इसमें टमाटर और ये तुरैया हम दे देंगे। अब नमक, हल्दी दे दूंगी, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ देगी। और मिर्चाई हम और नहीं देंगे, ये जो सूखा मिर्च दो दिए हैं इसी में हमारा मिर्चा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और ज़्यादा करके मिर्चा दे सकते हैं। थोड़ा सा ढक देंगे, दो मिनट ढक के रख देते हैं। दो मिनट के बाद इसको थोड़ा मिला दिए। फ्रेंड इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे कुछ सोयाबीन हम जो है
गर्म पानी में धो के हम रख दिए हैं, पानी दो तीन बार धो लिए अच्छे से। अब ये सोयाबीन भी हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको हम मीडियम, हमारा फ्लेम हमारा मीडियम ही है, फिर से हम इसको ढक देंगे। ऐसे दो दो मिनट बाद इसको हम उठा उठा के करछुली चला देंगे कि हमारा नीचे जले ना। तो चलिए फ्रेंड, 5 मिनट हमारा और हम ढक के रखे हैं। अब देखते हैं मेरा सब्जी का क्या हाल है। ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल हम नहीं दिए थे, फिर भी कितना सारा पानी इसमें आ गया है। तो सब्जी अभी तक हमारा नहीं बना है, इसको थोड़ा और हमें पकाना है। और इसको थोड़ा हमें पकाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा सब्जी एकदम रेडी है, एकदम तैयार है सब्जी मेरा, बन चुका। इसी टाइम पे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर दे देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये बिना ऑयल देके जीरा को भून लिया जाता है, उसी जीरा का पाउडर है ये। तो इसमें बहुत अच्छा एक स्वाद भी और खुशबू भी बहुत अच्छा लगता है। आपका अगर मन नहीं है तो मत दीजिए, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्जी। ये रोटी के साथ, चावल के साथ, फ्रेंड किसी भी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है और भुना हुआ जो हमने जीरा का पाउडर दिए तो इसका खुशबू और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा ना तेल ना मसाला, फिर भी ये सब्जी खाने में इतना अच्छा लगता है, ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिए। तो चलिए हम सब्जी का उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम सब्जी का उतार लिए हैं। जो मेरे पास 1/2 किलो हम तुरई लाए थे, 1/2 किलो तुरैया का सब्जी है ये। तो इसमें बिल्कुल भी आप देखे होंगे हम पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किए हैं, लेकिन फिर भी इसका स्वाद इतना अच्छा लगेगा, एक ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिए। और मेरे अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। सब लोग स्वस्थ रहें।